chair and defense aspirants welcome back to my channel ssp success so today we will be discussing defense updates of 22nd january 2021 so guys for any query regarding ssp and afsp kindly join telegram channel whose link is given in the description box so guys let's get started so the first news we have is army chief meets south korean bros टू बॉल मिलिट्री टाइज जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ़ हैं ये इनकी फिफ्थ विज़िट रही फॉरेन कंट्रीज़ में आफ्टर कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक सो पहली विजिट उनकी थी म्यांमार देन नेपाल देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देन सऊदी अरेबिया अब उन्होंने फिफ्थ जगह जो विज़िट किया है वो साउथ कोरिया में विज़िट किया है जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरव उन्होंने तीन डे की विज़िट की साउथ कोरिया में मिलिट्री कॉपोशनस को बॉल करने के लिए विद ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ओके सो उनका जो पर्पस था इस मीटिंग का जो हमारे जो साउथ कोरिया है और इंडियन आर्मी है दोनों कंट्रीज के डिफेंस यू नो कॉपरेशन को बॉलस्टर करने के लिए और जो डिफेंस एक्विजिशन है या फिर डिफेंस प्लानिंग है ताकि दोनों कंट्रीज कर सके और एक दूसरे की हेल्प हो सके नेक्स्ट न्यूज वी हैव ए सीआरपीएफ टू डिप्लॉय मोर पावरफुल टेक्नोलॉजिकल एडवांस ड्रोन्स इन नक्सल हिट एरियाज सो so, जो सी है वो ज़्यादा पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवास्ड ड्रोन को नक्सल हित एरियाज में यू नो डिप्लॉय करेगा और ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि फोर्सेज में ज़्यादा स्ट्रेंथ ऐड हो सके ये जो ड्रोन्स हैं ये ज़्यादा टाइम के लिए उड़ पाएंगे और इनमें एबिलिटी होगी कैप्चर करने की फ़ुल हाई डेफिनेशन क्वालिटी वीडियोस जो सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चौदह न्यू ड्रोन को यूज़ किया जाएगा रेड जोन एरियाज इंक्लूडिंग सुकमा दंतेवा एंड बीज़ापुर इन छत्तीसगढ़ इन नेक्स्ट थ्री मंथ्स जो माइक्रो यू ए वी ए फोर टेन है ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्मॉल आर पी ए आर पी एस रिमोटिव रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट फ्रॉम कन्फाइंड लोकेशन विद मिनट्स विद्योरेंस ये किसने कहा सी आर पी एफ ने कहा मीनस जो यू ए वी ए फोर टेन है ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्मॉल आर पी एफ और एयरक्राफ्ट है जो कि क्विक डिप्लॉय हो पाएगा और वो भी विद इन सिक्सटी मिनट्स के एंडोरेंस में ओके okay. तो ये जो है ये ऑटोनोमस ऑपरेशन कर पाएगा और जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ और इसमें डिजिटल इनक्रिप्टिड कम्युनिकेशन लिंक भी है और इसमें फुल एच कैमरा है और इस पर हम रिलाय कर सकते हैं एरियल इमेजिंग के लिए जो कि हेल्प करेगा सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन में नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज चाइना टू गि पाकिस्तान हाफ मिलियन डोजेज ऑफ साइनोफाम वैक्सीन जो चाइना है वो हाफ मिलियन डोजेज़ जो है साइनोफाम वैक्सीन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा जनवरी थर्टी वन में जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरेशी उन्होंने थर्सडे में थर्सडे को कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए इस्लामाबाद में कि चाइनीज़ ने उनको बोला कि तुम अपने एयरक्राफ्ट भेज दो और एयरलिफ्ट कर लो वैक्सीन को इमिडिएटली और उन्होंने ये कहा ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज है क्योंकि वैक्सीन की हेल्प से हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे ओके और पाकिस्तानी रेगुलेटर्स ने साइनोफॉम वैक्सीन को अप्रूव किया इमरजेंसी यूज के लिए दो दिन बाद ही जब अस्त्रा का वैक्सीन डेवलप की गई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वो भी मतलब जो डेवलप की गई थी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उसको अप्रूव किया गया था उसके दो दिन बाद ही पाकिस्तानी रेगुलेटर्स ने भी ये जो साइनोफाम वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिया नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन रेडी टू फेस एनी चैलेंज इन ईस्टर्न सेक्टर सेड बाय इंडियन एयरफोर्स ऑफिशल सो जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है जो कि असम में है ये अब कैपेबल है किसी भी चैलेंज को टेक ऑफ करने के लिए इन ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द कंट्री जो इसके न्यू एयर ऑफिस कमांडिंग एयर कॉमोडो धर्मेंद्र सिंह ढांगी है ये उन्होंने कहा वो जब एक कुछ रिपोर्टर्स के साथ यू नो इंट्रैक्ट कर रहे थे जो एयर एयर कॉमोडो ढांगी है उन्होंने बोला कि जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है ये हम हर चैलेंज को फेस कर सकता है ओके तो उन्होंने ये भी बोला कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो ग्रो कर रही है धीरे धीरे लीप्स एंड बाउंड से और हम कैपेबल बन रहे हैं किसी भी चैलेंज को टेक ऑफ करने के लिए जो एयर कॉमोडर ढांगी है उनको कमीशन किया गया था फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स में दिसंबर नाइनटीन नाइनटीन नाइनटी टू और उन्होंने सर्व किया है तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन को फ्रॉम 2009 थाउजेंड नाइन टू टू और वो अब सेकेंड टाइम यहाँ पे तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में सर्व करने के लिए रेडी है इनके पास तीन हज़ार फ्लाइंग आर्स का यू नो क्रेडिट है और ये न्यू ए ओ सी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है एक टेस्ट पायलट है और एल्यूमिना है नेशनल डिफेंस अकैडमी के नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज इन अ फर्स्ट हॉक आई एयरक्राफ्ट फायर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ऑफ उडीसा कोड ये जो फर्स्ट स्मार्ट वेपन जो फायर होगा इंडियन टू ट्रेनर एयरक्राफ्ट से जो हॉक आई प्रोजेक्ट है ये इक्विप किया जाएगा ट्रेनर जेट विद कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और जिसको फंड किया गया है इंटरनली एच एल प्रोग्राम के द्वारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उन्होंने थर्सडे को ये अनाउंस किया कि जो हॉक आई एयरक्राफ्ट है उन्होंने सक्सेसफुली फायर किया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को फर्स्ट टाइम ओडिशा कोस से और ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा अपग्रेड प्रोग्राम को जो हॉक एडवांस जेट ट्रेनर जो कि ऑपरेट किए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के द्वारा जो सौ है सौ क्या है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ये प्रशन स्ट्राइक वेपन है जिसको यूज किया जाएगा टारगेट एनिमी एयरफील्ड एसेट्स में जैसे रेडार बंकर टैक्सी ट्रैक्स रनवेज और ये जो है इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है डी के द्वारा ओके और जो वेपन रेंज है उसकी हंड्रेड किलोमीटर रेंज है और ये जो है टेस्ट फायर किया गया है फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स जागवर फाइटर प्लेन्स के द्वारा नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज सी आर पी एफ कंसीडरिंग इंडक्टिंग कमांडो बटालियन जो सीआरपीएफ है वो अपने को स्पेशलाइज जंगल वॉरफेयर कमांडो फोर्स कोबरा उसमें यू नो इंडक्ट करने की सोच रहा है और ये किसने बताया जो सी आर पी एफ के चीफ है ए पी महेश्वरी जो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यूनिट है उसमें दो बारह हजार पर्सनल्स जो है वो रेज किए गए थे सी आर पी एफ के द्वारा दो हजार नौ में ताकि इंटेलिजेंस बेस्ड जंगल वॉरफेयर ऑपरेशन को अंडरटेक किया जाए ओके okay?

So, guys, that was all about it. Do like, share, and subscribe my channel SSB Success. Thank you, guys. Bye bye. Take care.